अस्सलाम वालेकुम, मैं नजमलवीर हूँ अचीव माई वी लॉग चैनल। और हमारे सामने यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन किसी मुल्क का हो रहा है और आप देख सकते हैं ये झंडा मेरे ख्याल से ब्राज़ीलियन या मैक्सिकन है। देखते हैं हम नीचे जाके तो आपको भी बताते हैं कि ये कहाँ का झंडा है। और ये है स्टॉकहोम स्वीडन, इसका सिटी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन में है। और सूरज के अपोजिट है तो मेरे ख्याल से आपको पिक्चर जो है वो धुंधली नज़र आ रही होगी, लेकिन हम आपको करीब जाके बताते हैं कि ये झंडा किस पुल का, जरा मालूमात करें। खैर गाना तो स्पेनिश में हो रहा है मेरे ख्याल से। ये तो ईरान है, ईरानियन डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। ये ईरान, ये आप सामने तस्वीरें भी देख सकते हैं ईरान के डेमोस्ट्रेशन है। شو امروز خدایی کن که راز زندگی اینه نوبینز حسین گفتن روحای زینب و مسخر دیدی چه رونقی داره تجاوز ها به म्यूजिक सकते हैं। तो इस तरह के डेमोस्ट्रेशन, ये कल्चर हाउस है, ये कल्चर हाउस है जहाँ पर डेमोस्ट्रेशन वगैरह होते रहते हैं। देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लोग सन बाथ भी लेते हैं। इस तरह से सामने लोग बैठे हुए हैं जो सन बाथ ले रहे हैं। तो ये है ईरान का झंडा, ये इतना बड़ा बनाया है इन्होंने। और ये डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं झंडे को पकड़ के। और सामने ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, टी सेंट्रालन लिखा हुआ है। और ये हम सामने आपको नजर आ रहे हैं मिरर में, ये है। और हमारे पीछे पूरा सिटी का व्यू बहुत अच्छा यकीनन आ रहा होगा आपके पास। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं नजमलवीर वाचिंग माय वी लॉग चैनल। और ये अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। और ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, ये ट्रेनों का लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से ट्रेनें जा रही हैं। और ये देखें, ये एलिवेटर लगे हुए हैं। इसको हम नीचे जा रहे हैं अंडरग्राउंड, 400 मीटर नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। और ये भी कमाल है इस मुल्क का कि ये 1960 में बनी थी, तैयार हुई थी। और उस ज़माने में ना तो ऐसी कोई क्रेनें थी ना कुछ था, और ये इतनी इस कदर मुश्किल से बनाई होगी उन्होंने, इस वजह से हम देख ही सकते थे। खैर ये स्टॉकहोम स्वीडन का अंडरग्राउंड स्टेशन है, और यहाँ से कुछ इधर 3 फ्लोर हैं इसके अंडरग्राउंड, और सबसे नीचे जो ट्रेन चलती है उससे वो ट्रेन हमारे घर जाती है। और आमतौर पे यूरोप में गाड़ी से ज़्यादा अच्छा है कि आप बस से ट्रेन से सफ़र करें, गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल आप, क्योंकि आपको चलाना नहीं पड़ती ख़ुद, और गाड़ी में तो आपको पब्लिक ट्रैफिक का रश, कंजंक्शन चार्जेस, पार्किंग, तो सबसे अच्छा जो यूरोप में ख़ास तौर पे, बाकी हमारे एशियाई मुल्कों में तो हर गाड़ी है, और अमेरिकन कुछ स्टेट में जो दूर दूर रहते हैं उनके लिए गाड़ी, लेकिन अगर आपने सफ़र करना है, घूमना है और मुल्क को अच्छी तरह देखना है, तो उसके लिए सबसे आसान है कि आप बस में और ट्रेनों में सफ़र करें, जिसमें आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं और अच्छी तरह आप देख सकते हैं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और किसी भी मुल्क में मुल्क को समझने के लिए कम से कम आप उस मुल्क में 3-4 महीने रहें, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ आता है सिस्टम, वरना आप नहीं समझ सकते कुछ भी। सिर्फ आप अच्छी इमारतें देखकर अपने घर जाके तारीफ़ें कर सकते हैं, लेकिन ये माहौल, पब्लिक की सोच, पब्लिक का रहन सहन, आज़ादी, सब कुछ अगर समझना चाहते हैं तो आपको हर किसी भी मुल्क में 2-3 महीने रहना भी कम होता है, क्योंकि 2-3 महीने में अगर आप बाकायदा इसी चीज़ पर रिसर्च करें तो शायद समझ जाए, लेकिन असल जो अपने तरीक़े से जो आप समझ सकते हैं वो नामुमकिन है 2-3 महीनों में भी, कई साल लगते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मुल्कों में रहने वालों की सोच कैसी है, क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। खैर ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो हमारी ट्रेन आने में भी टाइम है, तो दूसरी साइड पे जहाँ पे पब्लिक थोड़ी कम है वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को कैमरे में लेना भी कुछ कानून के ख़िलाफ़ होता है, इसकी कोशिश यही होती है कि किसी की शक्ल ना आए। खैर तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, और ये इसके फ्लोर हैं, देखें 13, 14, ये ट्रेनें मुख्तलिफ़ फ्लोर से जाती है। तो ये देखें इससे भी नीचे एक स्टेशन है, वो और नीचे है इससे। खैर तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है स्टॉकहोम स्वीडन का, ये मेन सिटी है और कैपिटल है, और कैपिटल का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन जो है वो 4 फ्लोर पर, यानी इन ज़मीन के अंदर 4 फ्लोर है, जिसमें सबसे नीचे भी है, इसके नीचे भी है, बिल्कुल ही आखिरी फ्लोर है, फिर एक फ्लोर और बनाती है नीचे अंडरग्राउंड, तो इससे नीचे भी जा सकते हैं। ये जैसे यहाँ से आप ये देखें, ये सामने नीचे जा रहे हैं, सभी जा सकते हैं। एंड वापस चलते हैं, उस तरफ रश बहुत है। तो खैर ये है अंडरग्राउंड स्टेशन, इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सिटी एक्सप्लोर वगैरह तो हमारे YouTube चैनल पे है, अगर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे उस YouTube के चैनल पे चले जाएं, तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन के बारे में और यहाँ के रहन सहन, होटलिंग और जो आपके खर्चे वगैरह होते हैं यहाँ पे, खाने पीने के, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल सकती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं नजमलवीर, वाचिंग माय व्लॉग चैनल।